हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज लिटिल वर्ल्ड। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से आप ये वाली वैक्स स्ट्रिप्स को यूज करके घर पर ही वैक्सिंग कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप आफ्टर केयर किस तरह से करेंगे। कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, यानी कि रेड बम्स आ जाते हैं या रेडनेस हो जाती है जैसे ही आप वैक्सिंग करते हैं। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं भी है तब भी आप इन चीज़ों को अपना सकते हैं। वैक्सिंग करने के बाद एक बात का ध्यान रखिए कि आपको अपनी स्किन को सन एक्सपोजर नहीं देना है, यानी कि आपको धूप में नहीं निकलना है। अगर आप निकलते भी हैं तो आप स्किन को अच्छे से कवर करके निकलिए। नेक्स्ट है कि आपको परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं लगाना है उन एरियाज में जहाँ पर भी आपने वैक्सिंग करवाई है। आपको स्पा भी नहीं लेना है। बेसिकली केमिकल्स वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अपनी स्किन पर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने हैं, एटलीस्ट 24 आवर्स तक, हो सके तो 48 आवर्स तक भी। उसके बाद आप अपनी स्किन को सूद करने के लिए क्या क्या लगा सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप यहाँ पर लगा लेंगे एलोवेरा जेल, जो कि आपकी स्किन को सूद कर देता है, ठंडक पहुंचाएगा और जो भी आपको इरिटेशन हो रही है वो सब आपकी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट होता है कि आप उसे बिल्कुल चिल्ड पानी से वॉश कर लीजिए। चिल्ड मीन्स चिल्ड, फ्रिज का पानी आपको लेना है और ठंडे ठंडे पानी से आप अपने जहां पर भी आपने वैक्सिंग करी है उस एरिया को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट है कि आप कोकोनट ऑयल के साथ कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल की लगा सकते हैं, तब भी जो आपकी स्किन पर इरिटेशन है वो आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे आसान तरीका जो मैं अपनाती हूँ वो है ठंडा ठंडा रोज़ वाटर। मैं इस तरह से एक स्प्रे बॉटल में डाल लेती हूँ और ये बिल्कुल चिल्ड है, फ्रिज से निकाला हुआ है। इसे मैं इस तरह से अपने हाथों पर या जहाँ पर भी वैक्सिंग होती है वहाँ पर मैं इसे स्प्रे कर लेती हूँ। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जब भी आप अपने थ्रेडिंग करवाते हैं, यानी कि आईब्रोज और अपर लिप्स वगैरह या जो भी आप अपने फेस की थ्रेडिंग कराते हैं, रेड हो जाता है और हल्की सी इचिंग होने लग जाती है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। ठंडा ठंडा आप लोग गुलाब जल लेंगे और उसे अच्छे से अपने फेस पर आप स्प्रे कर लीजिए। गुलाब जल की जो तासीर होती है वो वैसे ही ठंडी होती है, उसे अगर हमने फ्रिज में रख दिया तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो डबल हो जाता है, जो वो डबल पावर के साथ काम करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूद कर देगा। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल होगा। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि ये लास्ट वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। सो अब ट्यूसडे को आप देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, सो बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।